नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज की वीडियो में हम एक ऐसा स्टॉक को एनालिसिस करेंगे जिसमें एक बड़ा सा कॉम्पाउंड हैंडल पैटर्न बन रहा है एंड जिसमें मल्टीयर का ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी हाई है। जिस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड जिस टाइप का अभी कंसोलिडेशन हो रहा है ना, हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में अगर ट्रिगर बन जाएगा तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो स्टॉक का नाम क्या है, किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट और ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है अरविंद लिमिटेड का एंड जो टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस देखिए 2018 में जो यहाँ पे हाई लगाया था ना, अभी तक उसी हाई को प्राइस ब्रेक नहीं किया है। लगभग 5 ईयर्स हो गया है प्राइस देखिए इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए 2009 में स्टॉक का बॉटम एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद देखिए 2009 से स्टॉक का प्राइस एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा था जो कि टॉप बना था 2018 में। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड देखिए 2020 में यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के बाद 2018 का हाई को यहाँ पे टेस्ट किया एंड क्लियर कट देखिए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न जो कि बड़ा सा कॉप एंड हैंडल है एंड इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट आएगा मूवमेंट तो आराम से स्टॉक का प्राइस 100 से 200% का मूव आ जाएगा। देखिए ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल, बस ट्रिगर का ट्रेंडिंग है। अगर आप मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज सेविंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, तो आपके लिए जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। एमस्टॉक में आप जीरो ब्रोकरेज के साथ फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर का अचीवमेंट देखेंगे एमस्टॉक का, 140,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, 15 करोड़ प्लस का ट्रेड हो गया है एंड लास्ट 3 मंथ में ट्रेडर जो है 72 करोड़ प्लस का ब्रोकरेज सेव कर चुके हैं। उसके साथ रिटेल क्लाइंट यहाँ पे होल्ड कर रहे 1,320 करोड़ प्लस का एंड आप एमस्टॉक में फ्री डिमांड अकाउंट ओपन कीजिएगा एंड अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर है तो आप 999 का प्लान को चूज कर सकते हैं जो कि जीरो ब्रोकरेज है फॉर लाइफ। ट्राई आउट द प्लेटफॉर्म टुडे। उसके साथ आप एमस्टॉक में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं जो कि स्टार्ट होता है 6.99% से जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। तो एक बार आप एमस्टॉक को विजिट कीजिएगा एंड इस सारा फैसिलिटी का फायदा लीजिएगा। अगर आने वाले टाइम में इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जो वीकली क्लोजिंग अबव 155-160 आप यहाँ पे बफर जोन लेकर चलेगा, अगर इस स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में 160 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाएगा तो उसके बाद ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आराम से अपसाइड 100% भी जा सकता है। देखिए जब भी बुल मार्केट में किसी भी स्टॉक उसका बड़ा रेंज को ब्रेक करता है ना, टारगेट को फिक्स मत कीजिएगा। आपका रिस्क के हिसाब से आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड बैलेंस क्वांटिटी को ट्रेल कीजिएगा क्योंकि अपसाइड जो है ना हमेशा से अनलिमिटेड रहेगा। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, उसके साथ जिस टाइप का अभी हमको टेक्निकल सेटअप देखने को मिल रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे एक बार 160 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाएगा तो यहाँ से बड़ा सा मल्टीयर का ब्रेकआउट आ जाएगा। उसके साथ अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो यहाँ पे अभी हम वाटर टेस्ट क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे जो रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था उसी रेंज को अभी ब्रेक कर रहा है। अगर आने वाले टाइम में जो स्विंग लो यहाँ पे बना है उसको ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे वाटर टेस्ट क्वांटिटी अभी के लिए आप ले सकते हैं। पैटर्न कब ट्रिगर बनेगा, जो बड़ा सा कॉपर हैंडल पैटर्न बन रहा है वो ट्रिगर बनेगा जब प्राइस यहाँ पे 160 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आएगा, लेकिन अभी हम वाटर टेस्ट क्वांटिटी ले सकते हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे एक रेंज को ब्रेक किया है। उसी केस में हमारा जो एग्जिट पॉइंट रहेगा ये जो स्विंग लो बना है यहाँ पे बिलो 124 के आसपास। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ, जब ट्रिगर बन जाएगा उसी केस में आप स्टॉप लॉस क्या दे सकते हैं, जो स्विंग लो बना है यहाँ पे बिलो 124। अगर ट्रिगर बन जाता है ए स्विंग लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा प्रीलिमिनरी नहीं तो आवाली क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि कभी कभी 1 सेकंड के लिए प्राइस टच करता है बाउंस कर लेता है, इसके लिए आप 15 मिनट का क्लोजिंग नहीं तो 1 आवर का क्लोजिंग बेसिस पर एसएल रख सकते हैं। अभी के लिए वाटर टेस्ट क्वांटिटी जा सकता है लेकिन मेन क्वांटिटी तो अभी जाना चाहिए जब यहाँ पे ट्रिगर बन जाएगा वीकली ब्रेकआउट 160 के ऊपर आ जाएगा। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 143 और 70 पॉइंट यहाँ पे बचा है ब्रेकआउट का एंड जैसे सस्टेन करके क्लोजिंग आएगा उसके ऊपर वीकली, उसके बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। उसके साथ देखें यहाँ पे राष्ट्रीय चार्ट भी उसका इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आसपास है। मैं अभी अरविंद लिमिटेड को निफ्टी 500 के साथ कंपेयर कर लेता हूँ, देखते हैं कि राष्ट्रीय चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में राष्ट्रीय चार्ट ओपन किया हूँ,
टॉप था 2016 में, लेकिन प्राइस टॉप बना था 2018 में। देखिए इस ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा, प्राइस 2016 के बाद जब भी इस ब्लू लाइन के आसपास आ रहा है प्राइस को सप्लाई मिल रहा है। ओके, इसका मीनिंग ये है कि ये जो ब्लू लाइन से अरविंद लिमिटेड निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर रहा था, एग्जैक्टली देखिए उसी लेवल के आसपास अभी खड़ा हुआ है। अगर आने वाले टाइम में ये जो लेवल यहाँ पे अरविंद लिमिटेड ब्रेकआउट करके वीकली या मंथली क्लोजिंग आ जाएगा, उसके बाद आने वाले 10 मंथ 5 मंथ 15 मंथ तक स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी 500 को, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे देखिए मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही वीकली ब्रेकआउट या मंथली ब्रेकआउट आ जाएगा स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसलिए आपको स्टॉक को आपके डर में रखना है। और जैसे ही ट्रिगर बनेगा प्राइस 160 के ऊपर क्लोजिंग आएगा वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ हाई प्रोबेबिलिटी कि जैसे ही यहां पे वीकली ब्रेकआउट आ जाएगा कॉपर हैंडल पैटर्न का, रैशियो चार्ट में भी यहां पे वीकली ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि रैशियो चार्ट में डेली ब्रेकआउट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। रैशियो चार्ट में हमेशा से आपको वेट करना चाहिए वीकली या मंथली क्लोजिंग का, हाई प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट वीक नहीं तो आगे आने वाले वीक में यहां पे वीकली ब्रेकआउट आ जाएगा, तो आने वाले कुछ मंथ्स तक अरविंद लिमिटेड आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। याद रखिएगा अभी पैटर्न ट्रिगर हुआ नहीं है, ट्रिगर तभी होगा जब 160 के आसपास नहीं तो ऊपर वीकली क्लोजिंग आएगा। मैं आशा करता हूं डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.